मी शाहरुख खान, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज संडे का दिन है और मैं अभी अभी उठी हूँ, तो ये बज गए हैं, एक बज गया है और बहुत लेट हो गया है। और अली के बाबा अब तक सोए हुए हैं और अली हमारे यहाँ उठ चुके हैं। हम दिखाते हैं, ये अली उठ चुके हैं। तो अली भी उठ चुके हैं और अब हम अली के बाबा को उठाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखें कैसे सोए पड़े होते हैं, सुबह के एक एक बज जाता है, उठते नहीं हैं संडे वाले दिन। ए सुनो सुनो, सुनते हो? टाइम देखो, उठ जाओ यार। ए भूख लग रही है यार, उठ जाओ, नाश्ता करना है। तो मुझे खाओगी क्या? नहीं नहीं, नाश्ता खाऊंगी। जो खाऊंगा यार। नाश्ता ले आ रहे हो क्या? तो खड़े कब हो गए? आपके चेहरे पे ये दाना हो गया है। और अली अपने बाबा को उठा रहे हैं। अली अब उठा रहे हैं ना बाबा को, उठते कहाँ हैं? नहीं उठते ना बाबा। अली हमारे कब के उठ चुके हैं, मम्मा को उठाते हैं बार बार। फाइनली उठ गए अली के बाबा, उठ गए। उठो, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है। सूरज निकला और तारे भाग गए हैं, दुनिया वाले सारे जाग गए हैं। आप भी उठकर बाहर जाओ, अपने मुल्क का नाम कमाओ जाओ। मैं उठ गई हूँ, मुंह धो लिया है और फ्रेश हो चुकी हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आपको ले लिया है। आप उठ गए हैं, आप उठें, मुंह धोएं और जल्दी उठ जाएं। ए चुप हो जा सातवीं फेल, चुप से पागल औरत बस। अली भी आपको देख रहे हैं। अली सुन हो चुके हैं, वरना अली सुन नहीं होते हैं। अली बहुत बातें करते हैं। मुझे लग रहा है आज मौसम प्यारा है, शायद देख लेते हैं। ये मौसम आज अच्छा लग रहा है, इतवार है, संडे वाले दिन अच्छा लगता है क्योंकि मेरे मियाँ घर पे होते हैं। मुझे अच्छा लगता है संडे वाला दिन। ए आपको संडे वाला दिन अच्छा लगता है? आप मेरे पास होते हो घर में? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? तू इससे अच्छा काम वाला दिन अच्छा होता है। हाँ तो सही है, अब मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या बोल रहे हैं? संडे वाला दिन किसको अच्छा नहीं लगता है यार, सबको अच्छा लगता है। ये संडे वाला दिन इनको भी अच्छा लगता है और मुझको भी अच्छा लगता है। दोनों बाप बेटे क्या देख रहे हो मुझे? भी बच्चों के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है। शाबाश, अब उठ जाओ और नाश्ता करने चलो। क्या नाश्ता? मतलब लेने जा रहे हो या घर का नाश्ता? हैं? क्या खाएंगे यार, रोज बाहर का खा के अजीब सा हो गया। चलो फिर आज घर का खा लेते। तो हम जाएंगे नाश्ता करने, फिर आपसे मिलते हैं। अंडा लेकर अंडे के स्लाइस बना लो। 2 hours later। तो जी नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था और उसके बाद जो है मैं निकल गया था ये मार्बल लेने के लिए किचन के लिए। जैसा कि मैंने पिछले इतवार को बताया था कि अगले इतवार को काम करवाना है, तो ये बस वहाँ से मार्बल वगैरह ले लिया, वहाँ से परचेजिंग करके रिक्शे में डाल के ले आया था क्योंकि मोबाइल में नहीं लेकर गया था, दोनों मोबाइल चार्ज पर थे तो इसलिए वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाया। तो बस यहाँ पे लाया मैंने, मार्बल वार्बल की कटिंग करवाई, फिर इसकी फिनिशिंग दी, आपके सामने जो देख रहे हैं काम हो रहा है। और फिर इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये थी कि अम्मी, सबसे बड़ा जो इशू था वो अम्मी का था क्योंकि अम्मी को सांस अस्थमा है, वो आप सब जानते हैं। तो अम्मी को मैंने अपने रूम में बिठा दिया था, दरवाज़े वगैरह अच्छी तरीके से बंद कर दिए थे क्योंकि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। सांस के जितने मरीज़ होते हैं उनको एलर्जी होती है मिट्टी धूल से ना, धुआँ वगैरह से।
तो इसलिए मैंने अम्मी को अपने रूम में रख बंद कर दिया था, मतलब अंदर कर दिया था दरवाज़ा रख बंद करके। अली भी अम्मी के पास थे और साथ साथ खाना भी बन रहा था, तो मैंने सैर को मना कर दिया था कि मतलब आप शिफ्ट कर दो भाई कहीं और खाना, क्योंकि पूरी मट्टी मट्टी हो जाएगी। तो फिर हमारे सामने पड़ोसी हैं, उन्होंने सैर ने उनसे जाके बात की, उन्होंने फिर इजाज़त दे दी, तो फिर सैर ने वहाँ खाना वाना बनाया। इजाज़त तो खैर पड़ोसी हमारे सारे अच्छे हैं बिल्डिंग के, चाहे नीचे ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग हैं, फिर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, इस तरह पड़ोसी सारे अच्छे हैं। तो इस तरह काम हुआ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी स्लिप लग चुकी है, वाह हो चुका है। और आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुश है? मैं खुश हूँ। तो अब जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो ये कर रहे हैं, फिर हम आपको पूरा किचन दिखाएंगे। तो जी मैंने अपने घर का काम कर चुका था, अभी ये मेरे पड़ोसी है तो ज़रा पेंचर चाहिए कि कज़न की शादी है ना, तो चार दुकानें तो मैं घूम चुका हूँ, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा व्लॉग भी एडिट करना है मुझे, तो ये भाई के पास आए, ये अदर कलेक्शन है। भाई शॉप का नाम है कहाँ पर है, ये कौन सा एरिया? लालू खेत। बाज़ार का नाम? नैरन शॉपिंग सेंटर। तो आप भी यहाँ पर आए, कलेक्शन इनके पास अच्छा अच्छा लगा हुआ होता है। वैसे तीन चार दुकानें जो हम घूमे वहाँ की मैंने कवरेज नहीं की है, फिर मुझे पता था ये तीन चार घूमेगा फिर आखिरी वाली शॉपिंग करेगा ना, तो ये भाई शायद खुशनसीब होगा कि इसकी दुकान से ले लीजिए। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पेंट तो फाइनल हो गई है इसकी, अभी शर्ट की चॉइस हो रही है। ये वाला जो कलर है ये है ना, डमी पे लगा हुआ है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह पेंट तो फाइनल हो गई है इसकी, अभी शर्ट की चॉइस हो रही है। ये वाला जो कलर है ये है ना, डमी पे लगा हुआ है। तो जी मैं घर पे आ गया हूँ और देखा तो ये मोहतरमा जो है वो किचन साफ़ कर रही थी, बाकी वालदा वगैरह और यहाँ पे साफ़ कर रही हैं, और मोहतरमा जो है ये इसको क्या बोलते हैं, एक कैबिनेट साफ़ कर रही हैं। सही है, तुम्हारे लिए आसानी हो गई, खुश हो गई। बस तो जी बस चाय बन रही है और फिर कल इंशाल्लाह चूल्हे वगैरह की भी सेटिंग करनी है, नया लगाना है या इसको बनाना है पता नहीं क्या है, तो मोटर माँ से पूछूँगा। मोटर माँ क्या करना है? किसका? चूल्हे का, इसको लगवानी है ना टापियाँ, इसकी ये भी टूट जाती है बार बार, और ये चाबी देखो यहाँ पर, ये चाबी नहीं है, ये तो तुम लोगों ने तोड़ दी ना चाबी, चलो ये तो पीछे अजीज़ाबाद की साइड पे ना वहाँ पे वो इसके अंदर जो चूल्हा पर लग गया था ना वो भी बनवाना है और ये भी बनवाना है। सही है, सही है। चलो चाय पीते हैं, और चाय पी के फिर थोड़ा सा आराम करता हूँ, थक गया हूँ। और ये घर भी देखें सब बिखरा पड़ा है, घर वाले वहाँ बिखरे हुए हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो जी यहाँ पे किचन सेट करवा रही हूँ मैं इनके साथ, क्योंकि ऊपर मेरा हाथ नहीं जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि ये बर्तन ज़रा सेट कर दें ऊपर, ये ऊपर सेट कर
कर रहे हैं बर्तन। ये ले ले, इसके ऊपर रख दे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा किचन पूरा सेट हो चुका है, तो सब मैंने साफ करके ये सब सेट कर दिया है। ये भी सब सेट कर दिया, इसमें सारे मसाले वगैरह रखे हैं, ये देखिए मसाले वगैरह रखे हैं, और इसमें मैंने चीनी चाय पत्ती वगैरह रखी है, ये सब सेट हो गया। और ये पूरा मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया फाइनली। मैं भी खुश, आप भी खुश, और सब खुश। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी है ना ख़त्म करते हैं, मतलब ख़त्म हुआ, ब्लॉग एंड करते हैं। किचन का हमारा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी। बिरयानी मैंने बनाई थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि किचन का काम हो रहा था, तो मैंने सामने आंटी के घर में बिरयानी बनाई थी, मैं बता चुका। अच्छा, तो बहुत अच्छी VIP बिरयानी बनी थी इन्होंने बोला। तो बस आज के लिए इतना ही, तो हम याद रखें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो बस अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मतलब के लिए अल्लाह मज़ा आया।